नीदरलैंड्स के भूकंप विज्ञानी फ्रैंक होगरबीट्स अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। अफगानिस्तान, तुर्की और सीरिया में भूकंप आने से पहले भविष्यवाणी करने वाले फ्रैंक की नई भविष्यवाणी से पाकिस्तान के लोग खौफ में हैं। इन जगहों के लिए उनकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई थी। जब भी कहीं भूकंप आने वाला होता है, वो पहले से बता देते हैं। इस बार उनकी चेतावनी पाकिस्तान के लिए है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के आसपास तेज भूकंप आ सकता है। फ्रैंक सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे नाम की संस्था में रिसर्चर हैं। 30 सितंबर को की गई उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में तगड़ा भूकंप आ सकता है। उन्होंने बताया कि उन्हें पाकिस्तान के ऊपर वायुमंडल में बदलाव दिख रहा है, लेकिन ये भूकंप कब आएगा ये बता पाना मुश्किल है। इसी साल मार्च में अफगानिस्तान में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। केंद्र हिंदू कुश पहाड़ों के नीचे जमीन के अंदर 187.6 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप की वजह से कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, भारत, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान हिल गए थे। हैरानी की बात ये थी कि अफगानिस्तान में आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी फ्रैंक होगरबीट्स ने 24 घंटे पहले ही कर दी थी। इससे पहले उन्होंने तुर्की के भूकंप के बारे में भी बताया था। फ्रैंक का भविष्यवाणी करने का तरीका एकदम अलग और नया है। वो भूकंप की गणना चांद की बदलती स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ होने वाले कंजक्शन के आधार पर करते हैं। फ्रैंक इन ग्रहों की स्थिति बदलने से पृथ्वी के वायुमंडल और चुंबकीय फील्ड पर होने वाले असर की स्टडी के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। फ्रैंक कहते हैं कि उन्होंने ये गणना ग्रहों की जियोमेट्री और लूनर पिक्स के आधार पर SSGI ग्राफ बनाकर की है। फ्रैंक ने भूकंपों की भविष्यवाणी करने में काफी रिसर्च की है। कई तरह के सॉफ्टवेयर रिलीज किए हैं, जैसे सोलपेज और SSGI। सोलपेज के काम करने का तरीका भी ग्रहों की स्थिति, कंजक्शन आदि को लेकर ही है। कुछ समय बाद सोलपेज के साथ SSGI एल्गोरिदम को जोड़ दिया जाएगा ताकि ज्यादा सटीक भविष्यवाणी की जा सके। फ्रैंक का सॉफ्टवेयर SSGI ग्रहों की पोजीशन का डेटा लेकर भूकंप के आने की भविष्यवाणी करता है। भूकंप की भविष्यवाणी करने का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, लेकिन होगरबीट्स दावा करते हैं कि वो ग्रहों की स्थिति को देखकर ये बता सकते हैं कि पृथ्वी पर भूकंप कब आएगा।